एक समय की बात है, बाल गणेश रात के समय अपने वाहन मूषक जी को साथ लेकर घूमने गए। मूषक जी पर बैठे बैठे गणेश लड्डुओं का आनंद लेते जा रहे थे। मूषक जी जोरों शोरों से भाग भाग कर गणेश जी को आनंद की प्राप्ति करवा रहे थे। जब गणेश जी एक विशाल पर्वत से निकले, तब मूषक जी के सामने एक विशाल व जहरीला सांप आ गया। मूषक जी एक साथ रुके, गणेश जी लड्डुओं के साथ नीचे गिर गए। ऊपर से उनको चंद्रमा जी भी देख रहे थे। वह गणेश जी को देखकर उन पर जोरों शोरों से हंसने लगे। गणेश जी उनका हंसता देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं, फिर भी चंद्रदेव अपना हंसना बंद नहीं करते। गणेश जी अब क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे देते हैं। फिर चंद्रदेव अपना स्थान छोड़कर गणेश जी के चरणों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। फिर गणेश जी उनसे कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आपने मेरी सहायता करने के बदले मेरा मजाक उड़ाया है। चंद्रदेव कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें। तब गणेश जी ने अपना श्राप वापस लिया और वहां से वापस कैलाश लोक लौट गए। तो बच्चों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अगर किसी की सहायता न कर सके तो हमें कभी भी दूसरों का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।